मंगलवार के तड़के आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर केलवद में अवैध शराब निर्माण अड्डे पर छापा मारा। साथ ही कलमना और यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत 2 से 3 जगहों पर कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध शराब नष्ट की है। इस कार्रवाई में 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर कुल 4,90,000 का माल जब्त किया गया है। यह बड़ी कार्रवाई होली त्योहार के मद्देनजर की गई। नागपुर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबारियों पर धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है। वहीं मंगलवार के तड़के आबकारी विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर केलवद में चल रहे अवैध शराब निर्माण अड्डे पर छापा मारा। साथ ही कलमना और यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत चल रहे अवैध शराब बिक्री केंद्र पर भी छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग ने 200 लीटर क्षमता के प्लास्टिक के 70 ड्रम, 15 भट्टी बैरल, लोहे के 30 बैरल, 15,000 लीटर सड़ी गली शराब और 350 लीटर महुआ शराब, साथ ही 22 लीटर देशी शराब, बड़े पैमाने पर शराब बनाने की सामग्री जब्त की। साथ ही कलमना में किए गए कार्रवाई में सुशील सुनील गुद्दे, संतोष बाबूलाल शिरसाठ, सचिन महादेवराव तिड़के, गोपी कचवा, प्रवीण गजानन 7 पैसे, इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही यशोधरा नगर अंतर्गत कार्रवाई में ईश्वर लाल जी मेशराम, शांताबाई बाबूलाल हुमे, मालती बाबूलाल जी हुमे, सावित्रीबाई जागोजी पराते, संतोष मुन्नालाल शाहू को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त व ग्रामीण अधीक्षक के साथ ही विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे, आबकारी विभाग के अधीक्षक प्रमोद सोनोन के आदेश पर की गई। इस कार्रवाई को पुलिस निरीक्षक मुरलीधर कोड़ापे और आबकारी विभाग के निरीक्षक राव साहेब कोरे ने अपने टीम के साथ अंजाम दिया। साथ ही 4,90,000 का माल जब्त किया गया है, इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक राव साहेब कोरे ने दी। राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आज पहाटेपासून ग्रामीण आणि शहर नागपूर विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात हातभट्टी निर्मिती आणि विक्री केंद्रावर धाडी टाकली आहे। या विशेष ही जी विशेष मोहीम आहे ही जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे सर आणि पोलीस आयुक्त आणि ग्रामीण अधीक्षक पोलीस अधीक्षक यांच्या आदेशानुसार आणि मार्गदर्शनाखाली, याचबरोबर विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे सर आणि अधीक्षक प्रमोद सोनन सर यांच्या आदेशानुसार मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेली आहे। यामध्ये सावनेर आणि केवळ पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत असलेले उमरी खदान आणि तिळंगीतले जे हातभट्टी निर्मिती केंद्र आहेत, या ठिकाणी विशेष मोहीम राबवली। या ग्रामीण भागामध्ये राबवत असताना सावनेरचे DYSP सर, PI सर, API आणि PSI आणि पोलीस विभागाचा मोठा स्टाफ उपलब्ध झाला, त्यामुळेच ही मोहीम यशस्वी राबवण्यात आली। ही मोहीम राबवत असताना साधारणपणे तिथले जे आमचे भरारी पथकाचे अधिकारी आहेत सुनील सहस्रबुद्धे सर आणि क्षेत्रीय अधिकारी आहेत मुरलीधर कोडापे सर यांनी ही मोहीम ग्रामीण भागातही राबवलेली आहे। यामध्ये 15,000 लिटर सडवा मिळून आलेला आहे, रसायन मिळून आलेलं आहे, ते जागेवर नाश करण्यात आलेलं आहे। लोखंडी बॅरल आहेत 200 लिटरचे, ते 70 बॅरल आहेत। प्लॅस्टिकचे बॅरल आहेत ते जवळजवळ 60-65 आहेत। आणि साधारणपणे टोटल जो ग्रामीण भागातला मुद्देमाल आहे तो 5 लाखाच्या दरम्यान आहे। या सगळ्यामध्ये तयार दारू 350 लिटर तिथंच मिळालेली आहे, तीही जप्त करण्यात आलेली आहे। याबरोबर नागपूर शहरातल्या कलमना आणि यशोधरा नगर परिसरातले जे हातभट्टी दारू विकणारे, मोहा दारू विकणारे काही इसम आहेत, अशा 10 इसमांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। आणि आजच्या ह्या मोहिमेमध्ये साधारणपणे 5,20,000 इतका मुद्देमाल सीज करण्यात आलेला असून 10 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। यह कार्रवाई होली त्योहार के मद्देनजर की गई है। इसी तरह आगे भी अवैध शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग तैयार है। नागपुर से एकता गहरवार की रिपोर्ट, NBCN न्यूज।